जैसे कि आप देख रहे हैं को मजबूत करने के लिए गोल कट मारने पड़ते हैं गोल कट से ग्रोथ स्टॉप हो जाती है जो हमारी फालतू की ग्रोथ थी, थी हमने कट से और गोल कट से बीमा मजबूत बनता है ये देख रहे आप यदि आपने कहीं ग्रोथ लेनी है तो वहाँ तिरछा कट मारे बीमे को मजबूत करने के लिए गोल कट मारे यहां देख रहे और ऊंचा गोल कट मारे बीमे के ज्यादा लार्ज में ना जाए ही बीमे ज्यादा भी रख दिया प्लांटों में तो फसल तो आ जाएगी और साइज बिल्कुल जीरो सेवन लेयर दस बीमे की जगह चार ही बीमे रखे यहां देख पा रहे आप चार से छह इंच के जो सूट होते हैं उन्हें ना टॉप करें और ना मूव करें जो प्लांट देख रहे पौधा ये चालीस से पैंतालीस साल के बीच का प्लांट है क्योंकि खड़े टेने में कभी भी बीमा नहीं बन पाता है जैसे लोग कहते हैं कि भाई आप ज्यादातर एंगल मारते हैं क्योंकि एंगल मारने से ग्रोथ स्टॉप हो जाती है क्योंकि हमें बॉडी फॉर्मेशन पीछे जानी चाहिए टहणी में यदि हम आगे आगे को टहने दे जाते तो पीछे वाले जो बीमे कमजोर हो, हो जाते हैं और तीन चार दाणे आगे ही लगते हैं टेणी में क्योंकि हमें जो बीमा पीछे से आगे तक चाहिए गोल कट से ही बीमा मजबूत बनाए और नया बीमा भी गोल कट से ही बनता है जैसे कि आप देख पा रहे यदि हम कट को ऊंचा मारते तो ना उसमें काला पानी आता है और ना ही कैंकर आता है यदि कट को क्लीन कल्टिवेशन में मारा जाए तो उसी साल उससे काला पानी निकलता है और कैंकर भी वहीं से लगना शुरू हो जाता है